हेलो दोस्तों, राधिका मोबाइल रिपेयर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों मेरे पास में एक आईटेल का मोबाइल है दोस्तों, जो कि इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। ईयरफोन का निशान आया है दोस्तों, आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग देखिए दोस्तों, देखिए ईयरफोन का निशान आया है दोस्तों, देखिए दिखा रहे हैं, देखिए। कहाँ से क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, आप लोग को बताते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर में सेट कर दीजिए दोस्तों, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को प्रतिदिन मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल का पूरे वीडियो आप लोग देखिए, बहुत तरह का वीडियो है, आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल को ओपन करते हैं दोस्तों और बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे दोस्तों, और आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल को ओपन कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। देखिए वीडियो और समझिए दोस्तों। देखिए ओपन कर रहे हैं दोस्तों, एयरफोन का दोस्तों बहुत सा ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आ जाता है। तो दोस्तों देखिए दिखाते हैं, सबसे पहले कीपैड पत्ता को बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। और पहला स्टेप रहेगा दोस्तों, सबसे पहले सर्विसिंग करेंगे दोस्तों, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ड्राई शॉट होने के कारण से भी हेडफोन का निशान आ जाता है दोस्तों, ईयरफोन का। तो सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। अगर इससे नहीं होगा तो सबसे पहले क्लिंग कीजिए, अच्छी तरह से क्लिंग कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल सही तरीक़े से क्लिंग कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल क्लिंग करने से ही हो जाता है। क्लिंग करने में अगर नहीं होता है तो फिर चेक करेंगे, चेक करके बताएंगे कहाँ से क्या प्रॉब्लम है। आप लोग देखते रहिए दोस्तों हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अब इसको चेक करते हैं एक बार, बैटरी लगा के देखते हैं। अगर रिंगटोन बज गया, मोबाइल ऑन होते समय रिंगटोन बजता है, तो समझिए हो गया दोस्तों। अब देखिए मोबाइल को ऑन कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग देखते रहिए, मोबाइल ऑन हो रहा है दोस्तों, बज गया तो देखिए दोस्तों, रिंगटोन भी इसका बज गया। देखिए दोस्तों, एयरफोन का निशान भी हट गया था दोस्तों, हेडफोन वाला। तो दोस्तों चलिए इसको फिट करते हैं, और फिट करने के बाद में एक बार दिखाते हैं फिर दोस्तों आप लोग को, क्योंकि सर्विसिंग करने से ही बहुत सा हो जाता है, हेडफोन का निशान हट जाता है, क्योंकि ड्राई शॉट हो जाता है ना, इसके कारण से भी हेडफोन का निशान आने लगता है दोस्तों एयरफोन का। तो सबसे पहला स्टेप आप लोग काम कीजिएगा, सर्विसिंग कीजिए, कोई भी फ़ोन हो आप लोग सबसे पहले सर्विसिंग करने के बाद ही, आप क्लिंग करने के बाद ही आप लोग आगे की काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि साफ दिखता है, क्लिंग करने के बाद साफ दिखता है, काम करने में अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सिम वगैरह लगा के भी एक ही बार चेक करते हैं दोस्तों, स्क्रूप वगैरह सब कस लेंगे दोस्तों, दिखाते हैं। और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कॉल में सेट कर दीजिए दोस्तों। देखिए चार्ज भी ले रहा है दोस्तों, देखिए
दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ऑन करते हैं एक बार, ऑन करके फिर पता चल जाएगा। दोस्तों जिस तरह आप लोग भी काम कीजिए। देखिए दोस्तों, ये फोन का भी निशान हट गया और चार्जिंग भी लेने लगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।